हर शादी और पार्टी का मेन्यू वेज पुलाव या मटर पुलाव के बिना अधूरा रहता है। आज वही खुशबू वाला टेस्टी पुलाव की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। मेरी इस रेसिपी से आपको वही फ्लेवर और वही टेस्ट घर के पुलाव में मिलेगा। वेलकम टू ईटिंग शीटिंग बाय मीनाक्षी। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इस लाजवाब पुलाव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चावल लिए हैं और उनको बहुत अच्छे से धो लीजिएगा ताकि उनमें स्टार्च ना रहे। टेस्टी पुलाव में सारा जादू खड़े मसालों का होता है, आपको उन मसालों से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 4 से 5 हरी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 ये स्टार मसाला कहलाता है जो आपको किसी भी मसालों की शॉप पे मिल जाएगा, स्टार मसाला बोलते हैं इसको, ये एक जरूर डलता है इसमें। ये होती है जावित्री, हल्के लाल रंग की जावित्री जो इस पुलाव में खुशबू देने का काम करती है। थोड़ी सी काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का पत्ता, 1 तेजपात, काजू और बाकी मसाले मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस पुलाव को एक कढ़ाई में बना रहे हैं। कढ़ाई में एकदम खिला खिला पुलाव बनेगा, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑयल डालूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा ना डालें, ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो आपके चावल चिपक जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें जीरा डालूंगी और जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले अपनी इलायची। इलायची को मैंने हल्का हल्का खोल दिया है, यानी कूट दिया है माइनर सा। काली मिर्च, दालचीनी, 5 से 7 लौंग और तेजपात। बड़ी इलायची को भी इस टाइप से हल्का सा मैंने खोल दिया है जिससे इसकी अंदर की इलायची इसी के अंदर रहे लेकिन ये अपनी खुशबू फैला सके। स्टार मसाला और इन सब मसालों को अब हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इस पुलाव में मेन काम जो है वो इन मसालों का ही है, इनसे ही इतनी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी कि बिल्कुल प्लेन पुलाव भी आपको खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। अब मैं इसमें डालूंगी काजू। काजू को भी हम इसके साथ ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ब्राउन हमें नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। और अब हम इसमें थोड़ी सी गाजर कटी हुई डालेंगे। मटर गैस को स्लो पे ही रखें, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे जावित्री। इसमें किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि इन पुलाव में इन्हीं चीज़ों का कलर बहुत अच्छा सा दिखाई देता है, तो अब इसके कलर चेंज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल दूंगी पानी। यहाँ पे आप पानी डाल दें जिससे इन चीज़ों का कलर चेंज ना हो। और अब इस पानी में ही हम यहाँ पर सॉल्ट डाल देंगे, बाकी कोई मसाला हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्ट डालेंगे क्योंकि शादियों के पुलाव में सिर्फ सॉल्ट होता है, बाकी कोई मसाला नहीं होता है। और लास्ट में इस पानी में हम डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस ज़रूर डालें, इससे आपका पुलाव बिल्कुल खिला खिला बनेगा। पूरे आधे नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें एक बॉयल लगवाऊंगी। जब तक एक बॉयल आता है तब तक हम इसको खुला ही हाई फ्लेम पे कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे। और अब मैंने यहाँ पर पनीर भी डाल दिया है। ये देखिए पानी में बॉयल आने लगा है और जब ये बॉयल अच्छे से आ जाए, आपको उबलता हुआ पानी इस टाइप से दिखने लगे, तब हम इसमें राइस डाल देंगे। अब हम इसमें राइस अपने डाल देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए राइस को तब ही डालें और इसको हल्के हाथ से इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम फिर से एक बॉयल आने देंगे, जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसको कवर करेंगे। पानी का इतना अंदाज़ा रखिए कि ये पानी, ये देखिए बस मैं पानी इतना ही डाल रही हूँ कि ये मेरे पूरा चावल और ये सब्जियाँ सब कवर हो जाएं। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, हमें एक एक दाना खिला हुआ पुलाव का बनाना है इसलिए हम सिर्फ इसको कवर होने लायक ही पानी डालेंगे। और अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें चावलों के साथ पानी में एक बॉयल आ चुका है, अब मैं इसको यहाँ पर कवर कर दूंगी। और अब आपको गैस फ्लेम को स्लो पे कर देना है और 5 मिनट्स के लिए वेट करना है, उसके बाद चेक करना है। अब मैं 5 मिनट बाद इसको चेक करती हूँ। ये देखिए हमारा खिला खिला टेस्टी पुलाव रेडी है। ये देखिए इसका एक भी चावल घुटा नहीं है, अच्छे से खिल गया है,
इसीलिए, क्योंकि 5 मिनट बाद मैंने इसको गैस को ऑफ कर दिया था और 1 मिनट के लिए इसको कवर ही रहने दिया था। तो ये देखिए, इसको देख के तो अब मेरा खाने का मन कर गया। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं। जब ऐसा खुशबूदार और टेस्टी पुलाव घर में बनेगा तो कोई भी खाए बिना नहीं रह पाएगा। बच्चों के टिफिन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी ही बहुत सारी टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईटिंग शीटिंग बाय मीनाक्षी।